हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. एसर्शन वी हैव कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन एंड रीजन फॉर दैट इज गिवन नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज इन डाइल्यूशन. सो वी हैव टू फाइंड दैट एसर्शन और रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट. सो की कंसेप्ट इज हेयर कंडक्टिविटी. देखिए, कंडक्टिविटी अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात करी है तो नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे. अगर मेटल होता तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बात करते. तो नंबर ऑफ आयंस जैसे जैसे बढ़ते हैं कंडक्टिविटी जनरली बढ़ती है. अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो NaCl भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. HCl भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है. H2SO4 भी, ये सब क्या इलेक्ट्रोलाइट. अब HCl क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है. किसमें ब्रेक डाउन होगा, H+ और Cl- में. तो इनकी वजह से ये जो आयंस हैं ये क्या है, फ्री मूविंग आयंस. तो ये क्या होते हैं, आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्टिविटी. ठीक है, जितने ज़्यादा ये आयंस होंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या बेस होगा, उतने ज़्यादा वो आयंस में ब्रेक डाउन होंगे और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी उस इलेक्ट्रोलाइट की. जो जैसे जैसे ये आयंस इंक्रीज होते हैं, आपकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो ये आयंस कब बढ़ेंगे, जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आयंस की नंबर भी क्या होंगे भाई, बढ़ेंगे. उतने ज़्यादा ही आयंस बनेंगे. आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो एसर्शन देखें, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ये गलत है. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ये सही है. डाइल्यूशन से क्या होता है भाई, नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं ना. डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन कम करिए, कंसंट्रेशन कम करिए तो आयंस क्या होंगे, कम होंगे. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. अब इसमें क्या है, एसर्शन हमारा इनकरेक्ट है बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.